अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियोस अपलोड करी थी और जिसमें मैंने बताया था कि मैं LM 324 और 5532 का एक कंबाइन, एक हाईफाई सबवूफर सर्किट का डायग्राम मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों एक्चुअली वो सर्किट डायग्राम दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा लाजमी सी बात है, एक हाईफाई अगर आपको सबवूफर सर्किट चाहिए तो उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट जो है हमारे वो लगेंगे और थोड़ा सा टफ डायग्राम है दोस्तों। मैंने सोचा था कि शायद मैं इसे रहने दूं, क्योंकि हमारे जो बिगनर्स हैं, जो हमारे जो ऑडियो बेस को पसंद करते हैं, उन्हें शायद थोड़ी सी दिक्कत हो बनाने में, बहुत परेशानी हो, शायद उनका सर्किट जो उन्होंने मेहनत से बनाया हो वो फेल हो जाए, वो ना बन सके। तो फिर मैंने बहुत सोचा दोस्तों, फिर मैंने काफ़ी सोचा कि अगर मैं आप लोगों को ये सर्किट का डायग्राम नहीं देता हूँ तो आप लोग यकीनन मायूस हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो एक एक चीज़ों को आपने देखना है और समझना है। और दोस्तों जो LM324 की पिन है और उसके जो नंबर हैं आपको उस पर भी ध्यान देना है, और 5532 की पिन और पिन के जो नंबर्स हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को देखकर अगर आप सर्किट का डायग्राम खुद से बनाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बनेगा, अदरवाइज़ इसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका जो डायग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखकर इसे बनाना है, क्योंकि उसमें अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका जो डायग्राम है वो नहीं बन सकेगा और आप फिर मायूस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको उस डायग्राम को सही से समझना है, देखना है और समझना है, उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद फिर समझना है, सही से पूरे डायग्राम को देखना है, उसके बाद दोस्तों आप पहले ब्रेडबोर्ड पर उसे चेक करेंगे बनाकर कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी फिर आपने जो है वो पीसीबी पर डिज़ाइन करना है। बहुत अच्छा है, बेस है दोस्तों इसका, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार ट्राई किया, असल में जो डायग्राम था उसमें कुछ गलती थी, जहाँ से मैंने देखा ये डायग्राम वहाँ उस डायग्राम में थोड़ी गलती थी, लेकिन मैंने फिर अपने तौर पे इसे ठीक किया और उसमें कुछ चेंजिंग करी। तो बहुत ही अच्छा इसका साउंड है दोस्तों, बहुत ही डीप बेस है इसके अंदर और अच्छा साउंड है, लेकिन बशर्त ये है कि आप इस डायग्राम को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से आप इसे बनाएंगे तभी आपका सही बजेगा। तो चलें डायग्राम की तरफ चलते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों वो एक आजकल जैसे कि ट्यूब बेस चल रहा है, गोल सा बॉक्स है, उसमें स्पीकर वूफर लगा हुआ है और उसमें से बेस आती है, तो मैं उसका डायग्राम आपको दूंगा। बहुत ही आसान सा डायग्राम होगा दोस्तों, आप घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं।